We will do some objectives on binomial distribution. First, in a brief, we will understand what is binomial distribution. What is binomial distribution? See, we have an experiment. Experiment means anything or situation, any activity or situation having more than one outcome. Okay, example of experiment is tossing a coin, throwing a dice. ये one outcome है, two outcomes है, ये six outcomes. Throwing two dice, thirty six outcomes. Okay, and so on. Now experiment के outcomes है ना, we divide into two parts. What? Success and फेलियर. अभी एक एक्सपेरिमेंट का आउटकम 36 होंगे, 6 होंगे, हम लोग उसको डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स में, सक्सेस एंड फेलियर. जो चाहिए वो सक्सेस, जो नहीं चाहिए वो फेलियर. जैसे एक डाइस फेंकते हैं तो गेटिंग 4 इज सक्सेस, हमको 4 नंबर चाहिए, गेटिंग 4 इज सक्सेस. तो नॉट गेटिंग 4 इज फेलियर. सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को पी बोलते हैं और फेलियर की प्रोबेबिलिटी को क्यू बोलते हैं, दैट इज पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1. जैसे 4 होने की चांस क्या है, 1/6, और 4 नहीं आने की चांस क्या है, 5/6. ओके, तो एक एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स होते हैं उसको हम डिवाइड करते हैं सक्सेस और फेलियर में. नाउ इफ एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म how many times, n times, if experiment is performed n times, jaise hum log e1 e2 e3 en karte hain, n bar experiment karte hain, success failure, har ek mein success mil sakta hai, failure mil sakta hai, success mil sakta hai, failure mil sakta hai, सक्सेस मिल सकता है और फेलियर मिल सकता है. जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म एन टाइम्स होती है, व्हेन द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड हाउ मेनी टाइम्स, एन टाइम्स, तो इफ एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड एन टाइम्स, वी मे गेट 0 सक्सेस एंड एन फेलियर्स. ये वर्स्ट हो सकता है. वी मे गेट 1 सक्सेस, एन माइनस 1 फेलियर्स. वी मे गेट 2 सक्सेस, एन माइनस 2 फेलियर्स. और लास्ट में वी मे गेट एन सक्सेस एंड 0 फेलियर्स. ओके, जैसे a dice is thrown 5 times, getting 4 is a success, so p is equal to 1/6, not getting 4 is failure, so q is equal to 5/6. अभी हम लोग 4 बार 5 बार खेल रहे हैं, 5 टाइम्स, तो इज इक्वल टू एन. तो यू मे गेट 0 सक्सेस एंड 5 फेलियर्स, पांचों बार नो 4, एक भी बार 4 नहीं आया. 1 4 अपीयर्स, एक बार 4 आया खाली. 1 सक्सेस,
फोर फेलियर्स, चार बार नहीं आया, एक बार आया, दो बार सक्सेस हुई बात, तो तीन फेलियर आएंगे फिर. नाउ यर नंबर ऑफ सक्सेसेस इज फ्रॉम 0 to n. लेट नंबर ऑफ सक्सेसेस बी डिनोटेड by R, that is 0 is less than R is less than N. Probability of R success, इसकी formula है NCR P raise to R Q raise to N minus R. This is called what? Binomial distribution. Within 5 minutes and 53 seconds you have done it. Okay, follow this. ये तुम लोगों ने experiment में भी किया होगा कि नहीं, किया था कि नहीं, हाँ लेक्चर्स में. अब आ जाए कुछ प्रॉब्लम्स पे. क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ नंबर ऑफ रिकवरीज अमंग 48 पेशेंट वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकवरिंग इज व्हाट? 0.75. रिकवरी की चांस क्या है? 0.75. ना यहां पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे. इसमें है, हमने पढ़ा हुआ है कि मीन इज एनपी एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज रूट ऑफ एनपी क्यू. अब ये प्रॉब्लम में एन है 48 पेशेंट है, पी इज 0.75, तो क्यू बनेगा 0.25. स्टैंडर्ड डिविएशन होगा रूट ऑफ एन पी क्यू इज इक्वल टू 48 इंटू 0.75 इंटू 0.25. 9 का रूट करेंगे तो क्या होगा? 3 आता है आंसर? यस, आ रहा है कि नहीं आंसर 3? ओके, सेकंड वाला सम. इन अ बाइनोमियल वेरिएबल विद एन इज 20, व्हाट इज द मीन ऑफ एक्स इफ इट इज नोन दैट एक्स इज सिमेट्रिक. अभी सिमेट्रिक होता है ना, सिमेट्रिक में क्या होता है, ये बात पढ़ ले सेकंड. इफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक व्हेन पी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू हाफ, पी और क्यू दोनों हाफ हाफ होंगे तो सिमेट्रिक होता है. सिमेट्रिक कैसे होता है कि प्रोबेबिलिटी ये ऐसे एकदम बेल शेप्ड हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक. ओके, ऐसे कर्व बनता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. तो यहां पर 20 है, एन पी इज इक्वल टू मीन, मीन 20 है इंटू हाफ है, तो क्या आंसर आएगा? 10 आंसर आएगा. फॉलो दिस. ओके, ओके, नाउ ये थर्ड और फोर्थ सम में थोड़ा डिस्कशन करने के बाद कराऊंगा. व्हाट आर द नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन एज 3 एंड 1.5 रिस्पेक्टिवली. मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज मीन इज 3. मीन की फॉर्मूला क्या है? एन पी. और स्टैंडर्ड डिविएशन की फॉर्मूला क्या है? रूट एन पी क्यू, है ना. तो देखो हमको क्या दिया है, एन पी इज 3, नो
एंड रूट एन पी क्यू इज 1.5, तो एन पी क्यू क्या हो जाएगा, 2.25 हो जाएगा कि नहीं? इसका स्क्वायर करेंगे तो 2.25 आ जाएगा कि नहीं? हाँ, तो एन पी क्यू अपॉन एन पी इज इक्वल टू 2.25/3, एन पी एन पी कैंसल, और ये आ जाएगा, ये आएगा आंसर 0.75, तो क्यू इज 0.75, तो पी होगा 0.25, है ना? यस और नो? अब मीन क्या है? मीन इज एन पी, तो 3 इज इक्वल टू एन इंटू 0.25, तो 3 अपॉन 0.25 इज इक्वल टू एन, एन इज इक्वल टू 12. आई आंसर? हेलो, आया? मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं ये, क्योंकि तुम लोग एक कर चुके हो पहले ना. फिर वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वेडिंग 3 हेड्स इफ 6 अनबायस्ड कॉइंस आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली? What is the number of trials of binomial distribution having? Nay. What is the probability of getting 3 heads if 6 coins are tossed simultaneously? Abhe na? Kya hai? तो n इज इक्वल टू 6. नाउ एक बार कॉइन टॉस करते हैं तो दो आउटकम्स होते हैं, हेड और टेल. हेड की चांस हाफ, टेल की चांस हाफ, ठीक है? नहीं तो p इज इक्वल टू हाफ, q इज इक्वल टू हाफ. अभी तुम लोगों को प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स, तो हेड्स की सक्सेस मानेंगे, तो 6c3ncr इंटू हाफ रेस टू 3 p रेस टू 3 इंटू हाफ रेस टू 6-3. अभी 6c3 क्या होता है? 6 factorial upon 3 factorial. ये 6c3 होता है, 4 into 5 into 6 upon 6, that is 20 होता है. 20 into 1 by 8 into 1 by 8, that is 20/64. 20/64 कितना होता है, जरा कैलकुलेटर पे देख लो कितना आता है. 0.3125. आया समझ में? आया समझ में? यस और नो? पक्का? ओके. इफ ओवरऑल परसेंटेज ऑफ सक्सेस, ओवरऑल परसेंटेज ऑफ सक्सेस इन एग्जाम इज 60% सक्सेस है, मतलब पी 0.6 है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 4 स्टूडेंट्स एटलीस्ट 1 विल पास? देखो पहले 1 स्टूडेंट की बात करो, इसके पास की चांस क्या है? 60% 0.6, मतलब P इज इक्वल टू 0.6, तो फेल होने की चांस क्या है? 0.5. एक स्टूडेंट की बात है ना, ये एक स्टूडेंट की कहानी है कि अनेक स्टूडेंट की? एक स्टूडेंट के पास होने की चांस 0.6, फेल होने की 0.4 है. पक्का? अब सवाल है ये कि 4 स्टूडेंट है. अभी है ना, ये हम ऐसे एक लाइन बना के देखते हैं. देखो पास कितने हो सकते हैं? 0 पास हो सकता है, 1 पास हो सकता है, 2 पास हो सकते हैं, 3, और हो सकता है चारों चार पास हो जाए, है कि नहीं? हो तो कुछ भी सकता है, कोई भी पास नहीं हो सकता है ना. हो सकता है 1 पास हुआ, हो सकता है 2 पास, हो सकता है 3 पास, हो सकता है 4 पास हुआ. अभी 0 पास होने की चांस क्या है? कोई भी पास नहीं होगा.
हमको चाहिए कम से कम एक पास होना चाहिए, तो एक पास, दो पास, तीन पास, चार पास, ये कुछ भी चलेगा। अभी इतना लेंदी सम्स कैसे करेंगे, एक पास की प्रोबेबिलिटी निकालो, दो पास की प्रोबेबिलिटी निकालो, तीन की निकालो, चार की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो पास क्या है, नो पास, कोई पास नहीं हुआ, इसकी चांस हो जाती है 4C0 इंटू 0.6 रेस टू 0, है ना, कोई पास नहीं होगा, एंड 0.4 रेस टू 4। तो इसका आंसर क्या होता है, ये 1 into 1 into 0.0256 क्या है, यह है 0.0256। अब ये इसमें से ये इसकी प्रोबेबिलिटी पूरी 1 होती है, एक सब गिनने के तो 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 पास, कम से कम कोई बंदा पास होगा, इज इक्वल टू 1 माइनस 0.0256। देखो ये सभी फेल है, इनको निकाल दे तो बाकी कुछ भी चलेगा। 1 माइनस 0.0256 क्या आंसर आता है, 0.9744। आई बात समझ में कि नहीं आई, पक्का?